हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक बी हाइव और पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में से आपकी पोएम है रेन ऑन द रूफ, जिसके पोएट हैं कोएटिस केने, COATES कोएटिस केने, KINNEY। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब हमें ये पोएम समझ में आएगी और उसके बाद आप समर्थ हो पाएंगे ये एमसीक्यूज के आंसर देने में। फर्स्ट वर्ड है ह्यूमिड। ह्यूमिड मींस डंप, फुल ऑफ वाटर, पानी से तर बतर। हॉर, हॉर मींस फ्लोट इन द एयर, फड़फड़ाना, हवा में तैरना। देन पैटर, ए टैपिंग नॉइज, पटर पटर की आवाज। देन टिंकल, सॉफ्ट रेनिंग साउंड, बड़े जेंटल आप कह सकते हैं रेनिंग साउंड, बरसात की बड़ी जेंटल सी सॉफ्ट सी आवाज। शिंगल्स, वुडन टाइल्स ऑन द रूफ, छत के ऊपर लगी हुई लकड़ी की टाइल्स। फैंसीज मींस इमेजिनेशंस, IMAGINATIONS कल्पनाएं। एको, एको मींस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज का गूंजना, ध्वनि का गूंजना। वूफ, क्लॉथ यानी के बाना, जिसके अंदर हम कोई डिजाइन है उनको धागे से, थ्रेड से डिजाइन बनाते हैं। वूफ, क्लॉथ या बाना। देन स्फीयर मींस हेवन, आकाश। स्टारी मींस फुल ऑफ स्टार्स, ऐसा आसमान जिसमें स्टार्स भरे हों, तारों से भरा आसमान। मेलंकली मींस सैडनेस, उदासी। लिस्ट मींस लिसन, सुनना। एगोन मींस पास्ट, भूतकाल। और रेफ्रेन मींस नॉइज ऑफ द रेन, बरसात की आवाज, बरसात का शोर। पोएट क्या कहते हैं स्टार्टिंग में, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हॉर। ह्यूमिड शेडोज का मतलब है पानी से दर बतर जो शेडोज हैं, जो छाया है यानी के जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, और वो मंडराते हैं। कहां मंडराते हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स का मतलब तारों से भरे आसमान में पानी से तर बतर जो डम आप कह सकते हैं क्लाउड्स हैं, वो तैरते हैं, फ्लोट्स इन द एयर, फ्लोट इन द एयर, ये जो क्लाउड्स हैं फ्लोट इन द एयर, हवा में तैरते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदासी से भरा जो अंधेरा है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो बरसाती आंसुओं के रूप में रोना शुरू कर देता है, यानी के बरसात होनी शुरू हो जाती है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। एक कॉटेज है आपका, एक हट या झोपड़ी है, उसका चैम्बर है, उसका एक कक्ष है, उसके अंदर बेड के ऊपर लेटकर पिलो को दबाना, तकिए को दबाना, पिलो को प्रेस करना किसी ब्लिस, किसी वरदान से कम नहीं है, इससे बड़ा एंजॉयमेंट नहीं हो सकता। और उसके साथ में आप क्या करते हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, छत के ऊपर जो बरसात हो रही है वहां पर पैटरिंग साउंड आपको सुनाई दे रही है, उस आवाज को सुनना बेड में लेटकर, तकिए को दबाना किसी ब्लिस, किसी वरदान से कम नहीं है। अब क्या होता है, छत के ऊपर शिंगल्स हैं, वुडन टाइल्स हैं, उनके ऊपर टिंकल साउंड आ रही है, बरसात जब गिरती है तो बरसात की जो आप कहें सॉफ्ट रेनिंग साउंड है उसको टिंकल बोलते हैं, वो शिंगल्स के ऊपर आवाज पैदा करती है, वुडन टाइल्स के ऊपर आवाज पैदा करती है। उस आवाज को सुन के पोएट के हार्ट में इको होता है, आवाज गूंजती है, जैसे आवाज गूंजती है उनके माइंड में आप कहें थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज और कहें थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, यादें, ड्रीमी स्वप्न वाली फैंसीज कल्पनाएं, सपनों वाली हजारों कल्पनाएं, सपनों वाली हजारों कल्पनाएं और हजारों यादें उनके मन में दिमाग में उमड़ पड़ती हैं, और वो ड्रीमी फैंसीज थाउजेंड्स हैं, रिफ्लेक्शंस थाउजेंड्स हैं, ये क्या करती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ,
वो सभी एक बाना के अंदर, बाने के अंदर व्यू करती हैं अपने एयर थ्रेड्स को, अपने हवाई धागों के द्वारा बुनने का काम करती है। यानी कि ये जो ड्रीमी फैंसीज हैं और रिकलेक्शंस हैं, यादें हैं, ये पोएट के माइंड में आती हैं और अपने हवाई, कहें हवा रूपी जो थ्रेड्स हैं, धागे हैं, उनसे अपना ताना बाना बुनती हैं। इसके बाद में क्या होता है, फिर पोएट के मेमोरी में, याद में उनकी मदर आ जाती है और एक फ्रेज आता है डार्लिंग ड्रीमर्स। तो पोएट जो हैं, उनके जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे और पोएट थे, वो उनकी मदर के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स हैं। ऐसे ड्रीमर्स हैं जो स्वीट ड्रीम्स देखते हैं, मीठे सपने देखते हैं। तो पोएट उनके माइंड में, उनके दिमाग में रहती हैं, उनकी मेमोरी में तरोताजा हो जाती हैं टिल द डॉन, और प्रभात तक, आप कहें सुबह जल्दी तक बारिश होती रहती है और पोएट जो हैं अपनी जो मदर की जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, उनको ताजा करते रहते हैं। उनकी मदर उनकी मेमोरीज में रहती है टिल द डॉन, और डॉन तक, प्रभात तक उनके साथ उनकी मेमोरीज में रहती है। और फिर पोएट को ऐसा फील होता है ऐसे टाइम पे, ये पैटरिंग साउंड ऑफ रेन सुनना, ये टिंकल ऑन द शिंगल्स सुनना, ऐसा लगता है जैसे फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, जैसे उनकी जो मदर है, उनकी जो माँ है, वो उनको देख रही हो, उनके पास हो, उनके नजदीक हो। और पोएट कहते हैं कि फिर रेन हो रही है, शिंगल्स के ऊपर आप कहें टिंकल साउंड आ रही है, पैटरिंग साउंड आ रही है, और इससे पोएट को बड़ा एंजॉयमेंट होता है। पोएट कहते हैं इससे बड़ा एंजॉयमेंट, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं हो सकता। चलिए एमसीक्यूज करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। चॉइसेस हैं ए क्वेटिस किने, बी जॉन किट्स, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। बिल्कुल स्टार्टिंग में बतलाया था क्वेटिस किने, रेन ऑन द रूफ, क्वेटिस किने। व्हाट डज द पोएट अटैच द डार्कनेस विद। डार्कनेस को किस वर्ड के साथ में, कौन सा एडजेक्टिव यहां पर विशेषण यूज किया गया है। ए सैडनेस, बी जॉयफुल मूड, सी प्लेजेंट, डी सूदिंग। तो डार्कनेस मेलंकली, मेलंकली मींस, यहां मेलंकली भी आ सकता है चॉइस में, ध्यान रखना, एम ई एल ए एन सी एच ओ एल वाई, मेलंकली मींस सैडनेस, उदासी। व्हाट डज द पोएट एंजॉय लिसनिंग टू। पोएट किस चीज को सुनने का आनंद लेते हैं। ए फिल्म म्यूजिक, बी ऑल सॉन्ग्स, सी गोइंग टू ऑफिस इन रेन, डी पैटरिंग साउंड्स ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ये करेक्ट चॉइस है, पैटरिंग साउंड्स ऑफ द रेन ड्रॉप्स। देन व्हाट मेक्स एन एको इन द पोएट्स माइंड। पोएट के माइंड में कौन आप कहें गूंजने की आवाज पैदा करती है। ए हिज सक्सेस, बी द म्यूजिक ऑफ पैटरिंग रेन, सी हिज पॉवर्टी, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा द म्यूजिक ऑफ पैटरिंग रेन। व्हाट डू द रिकलेक्शंस डू। ये जो यादें हैं ये क्या काम करती हैं। ए वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, इनटू वूफ, देन वीव देयर थ्रेड्स इनटू द सी, सी बोथ एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा जो रिकलेक्शंस हैं क्या काम करती हैं, वीव, वीव कहेंगे आप, प्लूरल हो गया तो डब्ल्यू ई ए वी ई, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। Whose memory does come in the poet's mind? आप कहें comes in the mind of the poet. A his father, B his friend, C his sister, D his mother. Poet के मन में उनकी माँ की याद आती है। What tinkles on the shingles? Wooden tiles के ऊपर soft raining sound आती है। किस चीज की ये आवाज है? देखिए A bells, B hailstones, सी रेन ड्रॉप्स, डी नन। आपका आंसर होगा रेन ड्रॉप्स, टिंकल्स ऑन द शिंगल्स, रेन ड्रॉप्स की जो सॉफ्ट रेनिंग साउंड है वुडन टाइल्स के ऊपर वो सुनाई देती है। व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट। पोएट के लिए क्या चीज ब्लिस है, क्या चीज एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है, आनंद
का प्रतीक है, वरदान है, ए गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, बी गोइंग टू ऑफिस इन रेन, सी लाइंग इन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, डी नन। तो आपका आंसर होगा लाइंग इन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, लाइंग इन द बेड एंड प्रेसिंग द पिल्लो, ये भी आपकी चॉइस हो सकती है अगर मिलती है तो। व्हाट आर द ह्यूमिड शैडोज डूइंग इन द स्फीयर, आसमान में जो पानी से तरबतर बादल है वो क्या काम करते हैं, ए स्लीपिंग, बी रेस्टिंग, सी डूइंग नथिंग, डी फ्लोटिंग इन द एयर, हॉवर करते हैं, फ्लोट इन द एयर करते हैं, हवा में फड़फड़ाते हैं, हवा में तैरते हैं। हाउ डज द मेलंकली डार्कनेस वीप, मेलंकली उदासी से भरा अंधेरा कैसे रोता है, ए वीप जेंटली इन रेनी टीयर्स, डी लाफ जेंटली, डी लाफ जेंटली, सी moves gently, the nun, तो आपका आंसर होगा weep gently in raining tears. What rises in the poet's mind, poet के दिमाग में क्या चीज पैदा होती है, a sadness, b happiness, c many fancies, या thousands fancies भी कह सकते हैं, d both a and b, आपका आंसर होगा many fancies. What rises in the poet's mind, many fancies या thousands fancies. Where is the poet's mother now? अब poet की mother, poet की माँ कहाँ है? A, life, B, dead. See, neither A nor B, D है, both A and B. आपका answer होगा dead. Poet's mother is dead. Now, students, rain on the roof, बड़ी अच्छी, आप कहें beautiful poem है. जब रूफ के ऊपर रेन गिरती है, बरसात आती है, आप भी बड़ा आनंद लेते होंगे, उसी एंजॉयमेंट को आप फील कीजिए और इन एमसीक्यूज को लर्न कीजिए. हम मानते हैं, सोचते हैं कि इस डिस्कशन के बाद इस पोएम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके बारे में आपके माइंड में कोई डाउट्स नहीं रह गए होंगे. अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ जल्द होगी मुलाकात. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.